हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मुंडे गिटारिस्ट। तो आज जो हम सॉन्ग करने वाले हैं उस सॉन्ग का नाम है चल घर चले बाय अरिजीत सिंह। तो आज हम इसकी कॉर्ड्स करेंगे, इसका स्ट्रमिंग पैटर्न देखेंगे और साथ ही साथ इसका इंट्रो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ, साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले इंट्रो पर। इसका इंट्रो को जिस तरीके से बजा है इसको प्ले करने के लिए आपको केपो रखना है फर्स्ट फ्रेट पर, और आपको सबसे पहले प्लग करना है G4, दैट इज थर्ड स्ट्रिंग का फोर्थ फ्रेट, ठीक है। देन E3, देन E3 से फिर E5 पे प्लग करेंगे, देन E2, ठीक है। तो पहली लाइन इस तरीके से आएगी, उसके बाद नेक्स्ट इसको कैसे प्ले करेंगे, E2, E0, E3, देन अगेन E2, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे प्ले करेंगे, दैट इज E3, E2, B3, देन स्लाइड फ्रॉम B3 टू B5। उसके बाद दैट इज कमिंग टू B3, देन कमिंग टू E2, देन अगेन B3, देन स्लाइड फ्रॉम B3 टू B5। ठीक है, अब मैं स्लोली आपको एक बार और बजा के दिखाता हूं। इसमें जो कॉर्ड्स यूज हुई हैं उसके लिए आपको केपो रखना है फर्स्ट फ्रेट पर, और जो कॉर्ड्स होंगी वो होंगी E माइनर, डी, सी, E major and A minor। तो ये कॉर्ड इसमें यूज होंगी। सो इसका जो स्केल है वो मैं ओरिजिनल स्केल वैसे इसका F माइनर है, मैं केपो के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो कॉर्ड यूज होंगी ताकि आसानी से बिगिनर्स भी इसको बजा पाएं। तो अब आते हैं इसके स्ट्रमिंग पैटर्न पर। इसमें आप RPGOs यूज कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से कुछ भी स्ट्रमिंग पैटर्न, जैसे डाउन 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 डाउन, ये स्ट्रमिंग पैटर्न भी इसमें यूज कर सकते हैं, या आप RPGOs यूज कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, दैट इज 5 3 2 1 2 3 4, ठीक है। सो एज फॉर दी कॉर्ड्स, इसमें आप जो बेस नोट 5 रखेंगे वो रहेगा आपका E माइनर, C मेजर, A माइनर और C माइनर। इसमें आपका जो बेस नोट रहेगा वो रहेगा 5th नोट, ठीक है। और अगर आप बाक कॉर्ड नहीं बजा रहे हैं सी माइनर पे, तो सी माइनर पे आपका ये वाला आप 4th बेस नोट भी रख सकते हैं, और जो आपका 4th बेस नोट रहेगा, ठीक है, जो 4th बेस नोट रहेगा वो आपको रख सकते हैं। अगर आप सी माइनर ओपन यूज कर रहे हैं तो सी माइनर पे करेंगे, दूसरा डी मेजर, ठीक है। तो इन दो कॉर्ड्स में जो होगा बेस नोट जो होगा और वो होगा आपका 4th, ठीक है। तो आते हैं अब गाने की तरफ। तो मैं अब सॉन्ग प्ले करता हूँ, उसके साथ कॉर्ड्स प्ले करता हूँ, आप देखिए सॉन्ग किस तरीके से बजेगा। पल पल मेरा तेरे ही संग Thank you.
थी।